बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे जो बहनोई है ना, मेरी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड, वो काफ़ी बीमार हैं। उनकी ना जो शुगर है ना, वो हाई हो गई है, वो मतलब के अपने लेवल पे नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब। तो इस वक्त हम लोग ना हॉस्पिटल जा रहे हैं उनके इलाज के लिए। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे और वो ठीक होकर अपने घर में अपने बच्चों में आकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अभी इस वक्त अम्मी, मैं, अवैस और अर्शद, हम चारों जा रहे हैं उनका पता करने। तो उनसे भी आपको भिजवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बस थोड़ी सी चाय पीनी है हमें, इसके बाद हम जा रहे हैं। तो आप लोगों से मिलवाऊंगी उनको। जी अब हम वापस जा रहे हैं, मरीज को हमने पूछ लिया, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो हमारी अम्मी जी है ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए फिर ना हम वापस जा रहे हैं। अब ये हॉस्पिटल है, हाँ जी, हम काफी देर से हैं, मतलब के 2-3 घंटे हो गए ना, लेकिन अब घंटे हो गए हमें आए हुए। क्या बताएं, अल्लाह माफ करे, हॉस्पिटल तो कोई दुश्मन भी ना है। क्या सही बात, हालात है हॉस्पिटल में, इतनी तबीयत खराब होगी जैसे गर्दो गुबार। तो अजीब सा ना, हमारे अम्मा जी का दिल जो था ना, वो भी गड़बड़ने लग गया, गड़बड़ हो गया था, गड़बड़ हमारी अम्मा, हमने नहीं कर दिया, दिल जो है वो गड़बड़ करने लग गया। वो कहती जो जैसे हो रहा है, जैसे मुझे उल्टी आ रही है, वाकई सर में बहुत दर्द होने लग गया और दिल वाकई घबराने लग गया, आंखें भी इतनी दर्द होने लगी। शायद सारे मरीज की सांसें, और वैसे भी गर्मी है तो यही मतलब, ये सबसे ऊपर था ना, सबसे ऊपर था गर्मी, वैसे भी एसी वगैरह था नहीं वहाँ पर, बहुत हालत खराब होने लगी। 2 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाले हमने। चलो जी, निकल तो गए ना, अब वापसी के लिए रक्षा नहीं मिलता, देखते हैं क्या करता। मेरी अम्मी का दिल तो धड़क धा धा बजने लगे। ओ बाजी बता, नो नो की ये बोली जा रही, बोली जा रही, सामने बैठी, सामने चले जी, घर चल के बात करेंगे, अभी तो फिलहाल जो है सर में बहुत दर्द हो रहा है। काटी है चल। तो जी इस वक्त हम घर पहुंच चुके हैं, चार पाई हमने बिछा ली हैं, तो हम यहाँ पे सोएंगे आज, क्योंकि बरामदे में वैसे भी सोते ही हैं, लेकिन आज अम्मी है वहाँ, अम्मी और वैसे सोएंगे, यहाँ मैं सो जाऊंगी और अर्शद साहब अंदर कमरे में सोएंगे अकेले रात को जी चुक। कोई बात क्यों चाहिए, बाकी बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, जितनी भी कोई सोच में हो ना, उससे भी ज्यादा गर्मी है आज। तो हॉस्पिटल में गए थे एक बार, होश जो है ना गुम हो गया, घूम के रह गए अम्मी और मैं,
मेरी अम्मी का दिन दड़ा दड़ा मतलब कि अम्मी वैसे भी ना बस ठीक नहीं रहती, इनका बीपी जो है ना लो हो जाता है और एक दो मसले हैं जिनकी वजह से ये ऐसी जगह वो बर्दाश्त नहीं हो सकती बंदे को। तो बस हमने सोचा कि अब चले जाते हैं, 2 घंटे रुके उधर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी जब वहां से निकली है ना तो तबीयत उनकी बेहतर हो गई, अब तो माशाल्लाह ठीक है। अम्मी तो छेड़ा अम्मी मजाक आ रही तेरे और की करे अम्मी की महसूस होया थे काफी देर बैठे रहे ना इसलिए थोड़ा बहुत बैठे भी रहे, माहौल भी वैसा ही इधर तो बाहर कह लें कि क्या कह रहे, पहले भी कह रही थी जरासीम वहां के हॉस्पिटल के और मरीजों की सांस, क्योंकि आपको पता है एक कमरा हो उसमें इतने लोग हो तो फिर सांस तो जमा होंगे ना, तो उसकी वजह से शायद ऐसा था। चलो अल्लाह पाक वहाँ पे जितने भी मरीज हैं सबको सेहत याब करे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह को अल्लाह उन सबको अपने घरों में खैरियत से ले जाए। तो अल्लाह पाक मेरे भाई को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको भी खैरियत से घर ले आए, यही दुआ है। तो आप लोग भी ये दुआ जरूर कीजिएगा ताकि वो खैरियत से घर आ जाए, जो भी उनकी परेशानी है टेंशन है अल्लाह पाक उनकी खत्म करे, सबकी अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर करे। इसी दुआ के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।